दोस्तों, भारतवर्ष में ब्रिटिश काल से चली आ रही फांसी की सजा बहुत ही रेयर केस में दी जाती है। जो केस बहुत ही नाजुक स्थिति में होता है, सुप्रीम कोर्ट उसी को न्याय के तहत फांसी पर चढ़ाने का निर्णय लेती है। आप सभी यह बात तो जानते ही हैं कि फांसी पर चढ़ाने का काम एक जल्लाद का होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में इस समय केवल दो ही रजिस्टर्ड जल्लाद परिवार हैं जो सालों से ये काम करते आ रहे हैं। पहला उत्तर प्रदेश का पवन कुमार और दूसरा पश्चिम बंगाल का बाबू अहमद। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जल्लाद की कहानी बताने जा रहे हैं जिसके नाम 25 लोगों को फांसी देने का रिकॉर्ड दर्ज है। वह फांसी देने के बाद इस्तेमाल की गई रस्सी से लॉकेट बनाने के लिए भी मशहूर था, जिसे वह अपने गले में पहन लेता था। हम बात कर रहे हैं जल्लाद नाटा मल्लिक की। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वह ऐसा करता क्यों था। तो दोस्तों, अपराधी को फांसी देने के बाद नाटा मल्लिक उस रस्सी को घर ले आता था, फिर उस रस्सी के टुकड़े को ताबीज़ में भरकर बेचा करता था। हैरान करने वाली बात तो यह है कि खरीदारों में केवल गरीब और अनपढ़ लोग ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे और अमीर लोग भी आया करते थे। ऐसे ही लॉकेट बेचते हुए नाटा मल्लिक ने हजारों रुपए कमाए। इसकी वजह लोगों का अंधविश्वास था या फिर यह सच था, यह तो नहीं पता। दरअसल लोगों का मानना था फांसी के फंदे की रस्सी से दमा जैसी कई असाध्य बीमारियां ठीक हो जाती हैं। बस यही कारण था कि लोग उस रस्सी को ताबीज़ के लिए नाटा मल्लिक से खरीदते थे। इतना ही नहीं, उसने अपने घर पर बाहर एक तौलिए की फांसी की गांठ बनाकर टांग रखी थी। दोस्तों, फांसी पर चढ़ाना उनका पुश्तैनी काम था, लेकिन काम में सैलरी कम मिलने के कारण उन्हें बाकी दिनों में घर में उस रस्सी की ताबीज़ बनाकर बेचना पड़ता था। लोग इस बात को इतना मानते थे कि जब नाटा मल्लिक फांसी देकर घर आता था तो उसके घर के बाहर लोगों की लाइन लगी होती थी ताकि उस रस्सी का एक टुकड़ा उन्हें मिल जाए जिससे वह ताबीज़ में बना सकें। नाटा मल्लिक का मानना था कि फांसी के पहले इन रस्सियों पर साबुन, केला और घी लगाने के कारण इनमें औषधीय गुण आ जाते हैं। उसका दावा था कि उनके पास जितने भी मरीज आए वो सब ताबीज़ पहनने के बाद एकदम स्वस्थ हो गए। नाटा मल्लिक ने अपने जीवन की आखिरी फांसी वर्ष 2004 में दी थी और उसके बाद वर्ष 2008 में उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, यह थी हमारे देश के एक जल्लाद नाटा मल्लिक की छोटी सी कहानी जो उन्हें बाकी जल्लादों से एकदम अलग बनाती है। यदि आपको भी यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना। जय हिंद।